वाओ, ये देखिए दोस्तों कितना ही प्यारा लग रहा है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। दोस्तों कभी कभी होता है ना कि आज मुझे खाना बनाने का मन नहीं हो रहा है, तो ये डिश आपके लिए एकदम परफेक्ट डिश है। ये बिल्कुल एफर्टलेस डिश है, सीरियसली बताऊं तो इससे एफर्टलेस डिश आपको कहीं नहीं मिलने वाली। बस आपने इंग्रेडिएंट इकट्ठा कर लेना है और समझिए आपकी डिश बनकर तैयार हो गई। बस चुटकियों में बनने वाले इस डिश के सारे सीक्रेट जानने हैं तो आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए फिर देर किस बात की, इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले 2 कप चावल लिया हुआ है। चावल को मैंने पानी में अच्छे से धुल लिया है, अब इसे पैन में डाल देते हैं। यूँ इसे पैन में ऐसे फैला लेंगे। मैंने यहाँ पर बासमती चावल लिया हुआ है, आप जो चावल खाते हैं उससे भी इसे बना सकते हैं। अब इसमें जाएगा 2 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर, 1 कप हरी मटर, छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई 1 बड़ी प्याज, साथ ही में इसमें डालेंगे दरदरा कुटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च। मैंने यहाँ पर 6 से 7 कलियाँ लहसुन की और 1 हरी मिर्च को दरदरा कूट लिया है। अब इसमें डालेंगे कुछ हरी धनिया के पत्ते और कुछ हरा लहसुन। साथ ही में इसमें जाएगा 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हम हाथों से यूँ रगड़कर फिर इसमें डालेंगे। अब बारी है काली मिर्च पाउडर की, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर इसमें डाल देते हैं। काली मिर्च डालने के बाद इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे और थोड़ा सा बटर। ये सभी चीज़ें डालने के बाद इसमें 3 कप पानी डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम पर रखना है। ये देखिए इधर इसका पानी गर्म होने लगा है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद इसे हम ढक कर 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पका लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, इसे हम खोलकर सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम धीमी आंच पर ढक कर चावल पकने तक पका लेंगे। ये देखिए चावल हमारा पक गया है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर ग्रेट किया हुआ चीज़ डाल देंगे। मैंने यहाँ पर नॉर्मल चीज़ का यूज़ किया हुआ है। ये मेरे पास है काला तिल, इसे भी इसके ऊपर छिड़क देते हैं। अब इसे हम ढक कर धीमी आंच पर 15 सेकंड के लिए पका लेंगे। ये देखिए 15 सेकंड हो गए हैं और हमारा 1 पॉट मील बनके रेडी हो गया है। अब इसे हम हरी धनिया डालकर सर्व कर लेते हैं। इस डिश को बनाने के लिए ना तो मैंने कोई तड़का दिया है और ना ही कोई हैवी मसाला डाला है, फिर भी अगर इस डिश की टेस्ट की बात करो ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। एक बार आप ये डिश जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये डिश कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टाटा।